नमस्कार दोस्तों, विमलास किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ कच्चे केले के कटलेट। और कच्चे केले कटलेट के लिए मैंने ये केले लिए हैं। इनको मैंने छिलके के साथ में ही धो करके कुकर में एक सीटी से उबाला है। इसमें एक सीटी लगाया गया है और ये उबल चुके हैं बिल्कुल, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने ली है कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, बेसन 2 टेबल स्पून, आटा 2 टेबल स्पून, और यहाँ पे मैदा 1 टेबल स्पून, और ये है हमारा ब्रेड क्रम्स, ये हमने लिया है 2 टेबल स्पून। सूखे मसाले हमारे हैं सॉल्ट ऑन टेस्ट, हींग 1 पिंच, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हमारा जीरा है, ग्रीन चिल्ली 2 हैं बारीक जो फाइन चॉप किया हमने, और यहाँ पे है हमारा चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून है चिल्ली पाउडर, और 1/4 चम्मच हमारा है टर्मरिक पाउडर, और यहाँ पे 1 टीस्पून हमने लिया ऑयल। अब हम इसका आटा तैयार करेंगे, सबको हम एक साथ डालेंगे और आटे की तरह इसको गूंथेंगे। इसके हम केले को छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं या फिर कद्दूकस भी कर लेंगे। ये जो केले हमने लिए हैं इसको जो है ये देखिए इस टाइप के होते हैं ये केले, ये अधिकतर सब्जी बनाने के काम आते हैं या फिर इनके कुछ भी कबाब बना सकते हैं, पूरियां बना सकते हैं। इनको उबालेंगे तो ये रवादार हो जाता है, रवा बनता है इसके अंदर, तो इस टाइप के केले हमने लेने हैं। और यहाँ पे जो है दूसरे केले होते हैं जो बिल्कुल गुलाई में होते हैं, तो उनको अगर आप उबालोगे वो उनका वो एकदम लेस में आ जाएंगे, तो वो नहीं लेना है केला। तो ये अभी हमारा गर्म है इसलिए हमने इसके टुकड़े कर रहे हैं, इसे ठंडे हो जाए। अभी हम इसमें जो हमारे मसाले हैं, कोरिएंडर पाउडर, जीरा, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली पाउडर, चिली फ्लेक्स, टर्मरिक पाउडर, 1 पिंच हींग और सॉल्ट, इनको सबको ऐड कर रहे हैं इसमें। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं इसमें कसूरी मेथी, मैदा 1 टेबल स्पून, गेहूं का आटा 2 टेबल स्पून, बेसन 2 टेबल स्पून, और साथ में इसमें डाल देंगे हम ब्रेड क्रम्स, ये भी 2 टेबल स्पून हमारा। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून। अब इसको आटे की तरह गूंथेंगे हम, तो थोड़ा पानी इसमें लगेगा हमें। नमक का टेस्ट ले सकते हैं, कम ज़्यादा है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आटा हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसको आटे को एक छोटी लोई लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथ में, इसकी एक टिक्की बनाएंगे, मीडियम हमने बनानी है, ना मोटी ना पतली, और इसको
कुकीज कटर रहते हैं, या कोई भी शेप आप दे सकते हैं कटलेट का। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल ऐसे शेप में इनको हमने सारी कुकीज ऐसी काटनी है। तो मेरे पास दूसरा भी डिजाइन है, मैं उसमें भी बनाऊंगी। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा मतलब नहीं डालना, हमने सैलो फ्राई करना है। और अपना कटलेट जो है रखते जाएंगे। देखिए हमारे कच्चे केले के कटलेट बनकर के तैयार हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। स्नैक्स के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ट्राई कीजिए और पसंद आए तो मेरी इस वीडियो